गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू मैं नया वीडियो। तो आज के इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं दिन पर क्या क्या करता हूँ, क्या क्या नहीं करके। मतलब इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मेरा ब्लॉग। मतलब आज आप लोग देखने वाला मेरा ब्लॉग एंड मैं डेली पर क्या क्या करता हूँ, क्या क्या नहीं, कौन सा चीज़ करता हूँ, कौन सा चीज़ नहीं करके। तो आप लोगों को ये वाली वीडियो 2 एपिसोड मिलने वाला है, पहला एपिसोड एंड सेकंड एपिसोड। तो आज हम लोग हॉलीडे पर क्या क्या करते हैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एंड हाँ, कॉलेज के टाइम के अंदर हम लोग क्या क्या करते हो भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। विदाउट कॉलेज विद कॉलेज के 2 ही ब्लॉग आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। लिटरली काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। फिलहाल के लिए अभी हम लोग उठ चुके हैं, रेडी भी हो चुका है थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग वगिंग करने का। एंड अभी के लिए हम लोग को टिफिन टिफिन भी करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग कहीं पर बाहर से जाएंगे थोड़ा बहुत और भी खतरनाक कोई चीज़। गाइस दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, आई होप गाइस आप लोग काफ़ी तरह अच्छा लगने वाला। आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक भी कर सकते हो। तो अभी के लिए गाइस मैं टिफिन भी कर चुका, सब कुछ हो चुका। तो सब कुछ होने के बाद मैं क्या करता हूँ मैं आप लोगों को बताने वाला। इसके बाद गाइस मेरे पास है कंप्यूटर, तो अभी के लिए हम लोग कंप्यूटर को यूज करने वाला है। बिकॉज गाइस आप लोगों को पता होगा हॉलीडे पर ही मुझे मतलब पूरा वीक पर एक हॉलीडे मिलता है, मतलब संडे। तो उसी टाइम के अंदर मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा, उसको एडिट करना पड़ेगा, उसको अपलोड भी करना पड़ेगा। दूसरे दिन के अंदर गाइस काफी ज्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज मुझे कॉलेज से घर को आते मेरे 6 o'clock हो जाता है। तो मुझे प्रॉपर टाइम मिलता है, वीडियो बनाने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो आप लोगों को उस वाले ब्लॉग के अंदर मैं बताऊंगा ना सब कुछ, तब आप लोगों को पता चलने वाला। फिलहाल अभी हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात करने वाला। थोड़ा टाइम हम लोग वीडियो को एडिट करते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो बनाने के लिए भी बैठना पड़ेगा। बिकॉज मैं वीडियो एडिट करता हूँ पीसी के अंदर, वीडियो बनाता हूँ मोबाइल के अंदर। तो हाँ, तो दोनों चीज़ भी हो जाता है। तो फटाफट से 1-2 वीडियो हम लोग एडिट कर लेता है। बात कर चुके तो फाइनली मेरा पूरा का पूरा गेमिंग वीडियो खाता हूँ, पूरा का पूरा एडिट और कंपन कर रहे हो चुका है। एंड अभी के लिए मैं गेमिंग वीडियो भी बना रहा था एंड वो भी डन हो चुका है। जिस तरह भाई आजकल इस वाले प्लेस के अंदर इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है ना भाई, इसकी वजह से पसीना इतना आ रहा है भाई, किसी ने सोच नहीं होगी भाई। लिटरली भाई जिसमें 1 आवर मतलब 1.5 आवर में पूरा का पूरा वीडियो बनाने के लिए बैठा था भाई, पूरा का पूरा पसीना हो चुका है। तो वॉच द टाइम ऑफ अभी के लिए 12:30 हो चुका है, मतलब 12:30 हो चुका है। हाँ भाई, एंड अब मैं एडिट कट आप लोग देख सकते हो भाई, पहले कुछ इस जैसा था, अभी इस जैसा बन चुका है। मतलब पूरा पूरा एडिट कट कर रहा है। एंड इस वाली वीडियो भी मैं इस वाले चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। तो आप लोग अभी तक नहीं देखो तो जाकर चेकआउट कर सकते हो उधर। तो जस्ट अभी का मॉम का कॉल आया था, मॉम अभी बोल रहा है हम लोगों को अभी कहीं पर जाना पड़ेगा। मतलब अभी के लिए मुझे जाना पड़ेगा मेरा ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर का घर के पास। बिकॉज अभी के लिए उस वाले प्लेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव्स आ चुका है, जो मेरा सिस्टर्स है ना, तो वो लोग आ चुका है। तो इसलिए आज हम लोग उस प्लेस पर जाने वाला है। तो फटाफट से अभी हम लोग जाते हैं मेरा मॉम को पिकअप करने के लिए, उसके बाद मॉम को लेने के सीधे जाने वाला है मेरे चाची के घर के पास। ऑलराइट, तो अभी के लिए हम लोग पूरा रेडी हो चुका है। तो जस्ट अभी मुझे जाना पड़ेगा मॉम को पिकअप करने के लिए। मॉम को लेकर हम लोग जाने वाले चाची के घर के पास। सब कुछ अभी के लिए इसी जैसे छोड़ लेता है। तो फिलहाल अभी हम लोग लेने वाला है बाइक का की, देन लेट्स गो। फाइनली अभी के लिए हम लोग आ चुके हैं हमारा चाची के घर के पास। मैं फेस ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सकता हूँ, बट आप लोग देख सकते हो हम लोग फाइनली आ चुके हैं। अभी का सीन है गाइस, हम लोग ने अभी के लिए आ चुके हैं कहीं अलग ही प्लेस पर, चाची के घर से बाहर। एंड अभी के लिए इस वाले प्लेस करें ना आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाली चीज़ में दिखाने वाला हुआ। आप लोग इस रूम के अंदर देख सकते हो कबूतर है। लिटरली गाइस ये लोग अभी कबूतर का ब्रीडिंग भी कर रहे थे पहले के टाइम के अंदर, अभी भी है। आप लोग देख सकते हो 3-4 कबूतर। तो भाई लिटरली काफ़ी ज़्यादा सही दिख रहा है। इसके लिए एक गुड़ भी है, इसके अंदर अभी कबूतर एकदम ठीक ठाक रहेगा। एंड उसका आना किना काका रहने एकदम खतरनाक रहने वाला। ऑलराइट गाइस, अभी के लिए आप लोग देख सकते हो मैं दूसरी वाली घर के पास आ चुका हूँ। एंड लिटरली भाई इतना ज़्यादा ही कुछ अजीब लग रहा है वीडियो बनाने के लिए। ऑफिशियली आई डोंट नो मैं किससे बना सकता हूँ। भाई आज तो RCB वर्सेस के मैच भी है एंड काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। आज के दिन के अंदर हम लोग ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर चुके हैं ना, आज तो भाई ये भी है, तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। ऑफ कोर्स गाइस मैं तो एक RCB फ़ैन हूँ, तो RCB फ़ैन के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा मैच होने वाला है सीरीज़ के साथ, मतलब धोनी के साथ कोहली का मैच। आई डोंट नो कौन जीतेगा, बट भाई अपन तो RCB फॉरएवर ब्रो। फिलहाल गाइस आप लोग कौन सा टीम को सपोर्ट करते हो वो भी आप लोग कमेंट पर कमेंट करके बता सकते हो। आप लोग आरसीबी सपोर्ट करते हैं तो सीएस के सपोर्ट करते हैं करके, एंड थोड़ा टाइम के अंदर मैं देख लेता तो मैच एंड देखेंगे क्या होता है करके। गाइस मैं आप लोग एक और बात बताना चाहता हूँ, मैं तो भाई एक काफ़ी ज़्यादा तगड़ा आरसीबी का फ़ैन हूँ, बिकॉज मैं पहले कर्नाटक पर रहता हूँ एंड मैं तो विराट कोहली का भी फ़ैन हूँ, तो उसके साथ साथ आरसीबी का भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ। तो आज ये आरसीबी वर्सेस सीएसके मैच एंड आप लोग एक और बात बताना चाहता हूँ, तो एक मतलब एक सीएसके फ़ैन भी हो सकता है, उसके साथ साथ आरसीबी का फ़ैन भी हो सकता है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है सीएसके वर्सेस आरसीबी मैच देखने के लिए, विराट वर्सेस धोनी को देखने के लिए, एक मतलब एक आग का बंदा देखने के लिए एंड एक कूल का बंदा देखने के लिए। तो काफ़ी मजा आने वाला है, आई होप गाइस आप लोगों को भी मजा आने वाली इस वाली मैच के अंदर। एंड आप लोग गेस कर लेना भाई आप कौन सा टीम जीतेगा, आई थिंक आप लोगों को रिजल्ट तो देखने के लिए मिलने वाला है, बट हाँ आई होप हाँ भाई ये वाले मैच में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। एंड मैं पूरा देख भाई अभी के लिए मैच तो स्टार्ट होने वाला है, अभी 12 सेकेंड्स बचा है एंड वो भी लाइव पर है, तो मुझे इस तरह भाई आज आरसीबी जीतने वाला है, मैं फुल कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ भाई इस पर आरसीबी जीत गया तो भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो देखने वाला है पूरा का पूरा एक खतरनाक वाले मैच को ना। गाइस आप लोग एक और बात बताना चाहता हूँ, आप लोगों को पता होगा हम लोग आज तो भाई आज मैं घर पर रख कर क्या करता हूँ सब कुछ आज थोड़ा बहुत आप लोगों को मैं बताया हूँ, एंड आप लोगों को नेक्स्ट वाले ब्लॉग देखने के लिए मिला है, उस वाले ब्लॉग के अंदर हम लोग कॉलेज पर जाने के बाद क्या क्या करता हूँ सब कुछ आप लोगों को प्रॉपर देखने के लिए मिलने वाला है। थोड़ा बहुत चीज़ में हम लोग नहीं दिखा सकते, बट थोड़ा बहुत चीज़ को मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, बिकॉज मैं बाहर से जाता हूँ तो तब मैं ठीक से ब्लॉगिंग नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज अभी भी बिगिनर हूँ तो मुझे प्रॉपर नहीं आता है, तो आने वाले टाइम के अंदर तो पूरा का पूरा ठीक हो जाएगा। जस्ट आप लोग के सपोर्ट करते हैं इस वाली वीडियो के अंदर आप लोग ना 500 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, उसके बाद हम लोग कभी भी बाहर से जाएंगे तो हम लोग एकदम ओपन से बात करने वाला है। वैसे आप लोग एक और बात बताना चाहता हूँ, अभी IPL का मैच चल रहा है, तो मतलब अभी आरसीबी वर्सेस सीएसके मैच चल रहा है ना, वो पूरा पूरा बैंगलोर के अंदर चलने वाला है, तो एक और खतरनाक बात है, तो आरसीबी जीतने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज कभी भी आरसीबी बैंगलोर पर खेलेगा तो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल से खेलने वाला है, काफ़ी हाई स्कोर भी बनाने वाला है। तो हाँ रेयर से हम लोग हारते हैं आरसीबी, आप लोग को बोलते हो बैंगलोर पर चलते हैं तो स्टेडियम के अंदर मैच, बट इस बार मैं पूरा भाई पूरा एक्साइटेड हूँ, पूरा मैं गारंटी हूँ आज आरसीबी जीतने वाला है, जय आरसीबी। आप लोग कमेंट भी कर देना भाई आपका फेवरेट टीम कौन सा है IPL के अंदर करके। ऑलराइट गाइस हाँ कल तो भाई देखो मैं मैच देखता रहता था एंड नाइट भी हुआ था, तो नाइट के अंदर मैं कुछ भी बोल नहीं पाया था, बिकॉज मॉम भी सो गया था ना, सारे का सारा लोग भी सो गया था, तो इसी रीजन के लिए मैं कल तो आउटरो भी करना भूल गया था, तो इसी रीजन के लिए अभी हम लोग आ चुका है, तो इसको एंड इसको इग्नोर कर लें, बिकॉज मैं मुंबई का फ़ैन तो नहीं हूँ, बट मेरे भाई मुंबई का फ़ैन थे फिलहाल पहले के टाइम के अंदर, एंड अभी के लिए उसका शर्ट मैं पहन रहा हूँ बिकॉज उसको थोड़ा बहुत अजीब लग रहा था, एंड पुराने हो चुका आप लोग देख सकते हो, उसको छोड़ो ना। बट हाँ कल आरसीबी तो नहीं जीत पाया, बिकॉज भाई थोड़ा बहुत हो जाता है प्रॉब्लम्स, बट हाँ काफ़ी ज़्यादा तगड़ा वाला मैच था एंड तगड़ा वाला रिस्पॉन्स पे आया था, एंड बाई मैक्सियन और भी काफ़ी सारे लोग बेस्ट खेले थे, एंड आप लोगों को पता ही होगा भाई आप लोग मैच देखा होता है, एंड विराट का बाई तो एक आउट ले लिया था भाई, वो तो पूरा लगा, बट हाँ आप लोग को छोड़ना मैं इसको रिव्यू तो नहीं देने वाला, बट हाँ वेस्टर्ड आप लोगों को मैं बताया था हम लोग कॉलेज पर मतलब हम लोग को कॉलेज नहीं रहेगा स्कूल भी नहीं रहेगा, एंड मैं फ्री टाइम के अंदर क्या क्या करता हूँ करके, तो हम लोग कल आप लोगों को बताने वाले मैं कॉलेज पर जाने के बाद मैं डेली क्या क्या एक्टिविटीज़ करता हूँ क्या क्या नहीं करके आप लोगों को पूरा का पूरा समझाने वाला, वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसको भी आप लोग देखने के लिए इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और मैं तभी भी वीडियो अपलोड कर आप लोग छोटे नोटिफिकेशन मिले, एंड दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा लोग एंजॉय करेंगे, तो एंजॉय तो कर लेना भाई।